यू आर वॉचिंग फिजिक्स विद मोहम्मद अरफात खान। और इस चैप्टर यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। डिसिपेशन का मतलब होता है खर्च होना, डिसिपेशन का मतलब होता है ज़ाया होना। और यहाँ पर जो चीज़ खर्च हो रही है, ज़ाया हो रही है, वो कौन हो रही है? पावर हो रही है। और कहाँ पर हो रही है? रेजिस्टर में हो रही है। अब हम ये डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी रेजिस्टर में पावर डिसिपेट होती है तो होती कैसे है। ठीक है, एक काम ये करते हैं, क्योंकि पावर का यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो क्यों ना पावर की जनरल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग फर्स्ट ईयर में, मतलब इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, अच्छा, पावर का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। इसको आप कैसे रीड करते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब कोई बॉडी कितना वर्क कर रही है, कितने टाइम में कर रही है, मतलब पर यूनिट टाइम में, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पावर। पावर का एक कॉन्सेप्ट और होता है, उसको हम बोलते हैं पी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय टाइम, ई फॉर एनर्जी। यानी कि बॉडी ने कितनी एनर्जी लूज करी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या बॉडी ने कितनी एनर्जी गेन करी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस चीज को भी हम पावर कहते हैं। तो पावर के हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं, एक वर्क अपॉन टाइम और दूसरा फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। यहां तक बात क्लियर है? ये पावर के जनरल फॉर्मूला आ गए। ओके, अब हम जाते हैं हमारे आज वाले पावर की तरफ, जिसको हम इलेक्ट्रिकल पावर भी कहते हैं। तो इसको समझते हैं डेफिनेशन, जैसे कि हमेशा मैं आपको बाद में क्लियर करता हूं, पहले हम डायग्राम को, कंडीशन को समझते हैं ताकि आपको डेफिनेशन आसानी से समझ आ जाए। डायग्राम के अंदर हमारे पास एक बैटरी है और उस बैटरी को मैंने एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी प्रोवाइड करना, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस सर्किट में चार्जेस फ्लो करते हैं। ठीक है, अच्छा, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास एनर्जी मौजूद है। और वो एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी प्रोवाइड करती है बैटरी, सिंपल सी बात है। ओके, जब ये चार्ज किसी रेजिस्टर में मूव करते हैं, रेजिस्टर एक ऐसी डिवाइस जिसका काम चार्जेस के फ्लो को कम करना, रोकना, अपोज करना। ठीक है, और ये अपोज कैसे करता है? देखिए, रेजिस्टेंस का बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पिछली वीडियोस में ये पूरा डिटेल में समझा चुका हूं। रेजिस्टेंस का एक आसान सा कॉन्सेप्ट है द कोलिजंस बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड द फिक्स्ड एटम्स ऑफ द कंडक्टर। यानी कि जो फिक्स्ड एटम्स होते हैं कंडक्टर के या रेजिस्टर के, जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए जाते हैं तो उनसे बार बार कोलाइड करते हैं। इस चीज को हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये काम अभी भी हो रहा होगा रेजिस्टर के अंदर। क्या हो रहा होगा कि जो चार्जेस मूव करते हुए जा रहे हैं तो ये उस रेजिस्टर के फिक्स्ड एटम्स के साथ बार बार कोलाइड कर रहे होंगे, और हर कोलिजन के नतीजे में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्जेस अपनी एनर्जी लॉस करते हैं। बहुत आसान सी, बहुत कॉमन सेंस की बात है। जब भी कोई बॉडी, मूविंग बॉडी, किसी दूसरी बॉडी के साथ जाके कोलाइड करती है तो याद रखिएगा वो मूविंग बॉडी अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट उस बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से उस मूविंग बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है। तो यहां पर मूविंग कौन है? यहां पर मूविंग चार्जेस हैं, यहां पर मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पर फिक्स्ड कौन है? फिक्स्ड कौन है? वो एटम्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्टर में जब भी फ्लो करके जाते हैं तो वो बार बार कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से चार्जेस की एनर्जी बार बार लॉस होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका कॉन्सेप्ट आ गया? पावर का कॉन्सेप्ट आ गया। यानी कि रेजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स का या फ्री मतलब जो चार्जेस हैं उनका रेजिस्टर के फिक्स एटम्स के साथ बार बार कोलाइड करने की वजह से एनर्जी का लॉस करना, एनर्जी का डिसिपेट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। रीड करते हैं डेफिनेशन। देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड, खर्च हुई, जाया हुई, पर यूनिट टाइम, बुरा कॉन्सेप्ट पावर का फॉर्मूला, पर यूनिट टाइम इन आर रेजिस्टर इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर। बहुत आसान सी डेफिनेशन। ओके, पावर के क्यों ना हम जनरल फॉर्मूले से स्टार्ट करें, इसकी डेरिवेशन, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला भी होता है जो कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, पावर का ये वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, या ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस वाले पावर के फॉर्मूले को मैं कभी भी पावर डिसिपेशन का या इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूला नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो फैक्टर्स होते हैं मेन, वो क्या क्या होते हैं? करंट होता है, आई, और क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
है ना। तो ऐसा फॉर्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं पावर का, जिसमें या तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस नजर आएगा, या आपको करंट यानी कि आई नजर आएगा, या रेजिस्टेंस यानी कि आर नजर आएगी। ये मेन फैक्टर्स हैं करंट के। तो ना तो मुझे इस वाले फॉर्मूले के अंदर कहीं वी नजर आ रहा है, कहीं पर आई नजर आ रहा है, कहीं पर आर। तो मैं कहूंगा ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है, इनको आपने कन्वर्ट करना होता है अपनी कंडीशन के मुताबिक। तो मैं यहां पर जनरल फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूं, और जनरल फॉर्मूला क्या होता है पावर का, पी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये आ गया पावर का जनरल फॉर्मूला। ओके, डेरिवेशन इज ऑल अबाउट पुटिंग द फॉर्मूला, यानी कि आपने जब डेरिवेशन करनी होती है तो उस डेरिवेशन के फर्स्ट स्टेप में जो आपको फैक्टर्स नजर आ रहे होते हैं उन फैक्टर्स के फॉर्मूला पुट करने होते हैं। तो भाई मेरे पास दो फैक्टर्स हैं, एक W मतलब वर्क और एक टाइम। तो टाइम तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। हाँ फॉर्मूला जरूर होता है, वो किसका होता है, वर्क का। तो अब हम यहां पर वर्क का फॉर्मूला पुट करने जा रहे हैं, और वर्क का फॉर्मूला कौन सा वाला है, ऐसे ही नहीं कि कोई सा भी वर्क का फॉर्मूला पुट कर दिया आप लोगों ने, नहीं, हम कंडीशन के मुताबिक फॉर्मूला यूज करते हैं। देखें इधर वर्क का एक तो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। क्या फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का यहां पर कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है? नहीं, यहां पर तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वर्क का एक फॉर्मूला और होता है, ओके, वो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू ओके वी इंटू क्यू। ये फॉर्मूला कहां से आ गया अचानक से? हो सकता है आपके जहनों में क्वेश्चन आ रहा हो, मतलब सवाल आ रहा हो, ये फॉर्मूला कब से आ गया वर्क का? बिल्कुल आता है जब आप चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स चैप्टर पे, हम हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पर। इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी के कैपिटल वी। इसका फॉर्मूला होता है दिस वन, पता है क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये जनरल, ये मेन डेफिनेशन है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, डिवाइड कर रहा है, यहां पर आके मल्टीप्लाई करेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, भूलिएगा मत। तो अब आप खुद सोचें, खुद मुझे बताएं, मतलब किस तरीके से कि वर्क का आप ये वाला फॉर्मूला यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो या ये वाला फॉर्मूला सिलेक्ट कर सकते हो, सूटेबल कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है ये वाला सूटेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज का जिक्र आ रहा है, चार्जेस मूव कर रहे हैं, और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वी आ रहा है, क्योंकि बैटरी यहां पर कनेक्ट हुई हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डब्ल्यू की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट करने जा रहे हैं। सो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डब्ल्यू की जगह, वी इन टू क्यू एंड डिवाइडेड बाय टाइम एज इट इज। ओके, याद करने के लिए याद रखिएगा, आप आगे मेंशन कर दिएगा कि आपने क्या किया है, वर्क का फॉर्मूला पुट किया है, और वो फॉर्मूला कौन सा, वी इन टू क्यू, ये हमने फॉर्मूला पुट किया है। यहां तक बात क्लियर है? ओके, अब आप देखें इस पावर के फॉर्मूले के अंदर एक फैक्टर आ रहा है जिसको हम कहते हैं क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी को रीड करने का तरीका होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि इस वाले फैक्टर को, ये वाला फैक्टर क्यू अपॉन टी वाला फैक्टर, इसको हम कैसे रीड करेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज इलेक्ट्रिक करंट। ये होती है बेसिकली डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की। सो क्यू अपॉन टी इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इस बात को कि जो क्यू अपॉन टी होता है बेसिकली ये बराबर होता है कैपिटल आई के। तो मैं यहां पर इस फॉर्मूले को पुट कर सकता हूं। ओके, लेट्स पुट पी सेम रहेगा, सो पी इज इक्वल टू वी सेम रहेगा, कैपिटल वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, और मल्टीप्लाई के अंदर इस क्यू अपॉन टी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, कैपिटल आई। सो ये आ जाएगा कैपिटल आई। भाई ये बन गया पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला। अगर किसी भी, मतलब अगर आपने किसी भी रेजिस्टर में कितना पावर खर्च हो रहा है, कितना पावर डिसिपेट हो रहा है कैलकुलेट करना हो, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाएगी। सो द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। यह है इसका पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला, क्या इसके और भी फॉर्मूला है? जी बिल्कुल, और भी फॉर्मूला है। अच्छा, और भी फॉर्मूला का मतलब देयर आर टोटल थ्री फॉर्मूला। ये हमने पढ़ा बेसिकली सबसे पहला फॉर्मूला पावर का। ओके, अब ड्राइव करते हैं इसके बाकी के भी दो फॉर्मूला, बहुत आसान है, एक एक दो दो स्टेप्स के अंदर आपकी जो बेसिकली फॉर्मूला बन जाएंगे। ओके, कैपिटल वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग एक लॉ यूज करने जा रहे हैं, एंड दैट लॉ इज ओम्स लॉ। पता है ओम्स लॉ का मतलब होता है वी इज इक्वल टू आई इंटू आर।
ये ओम्स लॉ की डेरिवेशन होती है, मतलब फॉर्मूला होता है डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है। सो वी इज इक्वल टू आई आर, तो मैं इस वी की जगह फॉर्मूला पुट करूंगा, तो देखें वी की जगह आ जाएगा आई आर और इन टू, एक आई ऑलरेडी मौजूद है, सो आई इन टू आई, क्या इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, आई स्क्वायर इन टू आर। ये बन गया इलेक्ट्रिकल पावर का दूसरा फॉर्मूला, आ गया एक ही स्टेप में आ गया। तो समटाइम्स हमारे पास डेरिवेशंस लेंथी भी होती हैं, समटाइम डेरिवेशंस ऐसी दो दो स्टेप्स की भी होती हैं, एक एक स्टेप की भी होती हैं। सो पहला फॉर्मूला वी आई, और इसी फॉर्मूले के अंदर आपने ओम्स लॉ पुट किया, वी की जगह आई आर पुट किया, तो सेकेंड फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर। दोबारा ओम्स लॉ यूज करेंगे इसका थर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए, ओके, अगेन बाय यूजिंग, अगेन बाय यूजिंग कौन सा लॉ? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओके। इस बार जो आप फॉर्मूला पुट करेंगे वो फॉर्मूला पुट करेंगे v ओवर r इज इक्वल टू i, ऐसा ही है। तो जब आप v इज इक्वल टू i r को अरेंज करेंगे i के लिए, तो r मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो i का फॉर्मूला क्या बन गया? v अपॉन r। अब आपको इधर जो i नजर आ रहा है इसकी जगह आपने पुट करना है v अपॉन r, सो लेट्स पुट, तो भाई i की जगह v अपॉन r, तो v डिवाइडेड बाय r इनटू आर। अब आप एक चीज और नोट करें, आई का आई के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, इसका मतलब आई के टोटल फॉर्मूले के ऊपर, यानी कि दोनों फैक्टर्स के ऊपर स्क्वायर आएगा, मतलब वी के ऊपर भी स्क्वायर और साथ साथ आर के ऊपर भी स्क्वायर, ओके। आर को कैंसिल करते हैं, ऊपर से जो आर है वो कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाले के ऊपर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। सो पावर का जो थर्ड फॉर्मूला यानी कि लास्ट फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स, यानी कि किसी भी रेजिस्टर में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है अगर आपने कैलकुलेट करनी हो, तो या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, या ये वाला यूज़ करते हैं, या ये वाला यूज़ कर रहे होते हैं। फ़र्क इतना है कि आप क्वेश्चन गौर से पढ़ लीजिएगा कि आपको कौन कौन से दो फैक्टर्स गिवन है, या तो पोटेंशियल डिफरेंस या करंट गिवन होगा तो पहला फॉर्मूला, करंट और रेजिस्टेंस गिवन होगी तो सेकेंड फॉर्मूला, और पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन होगी तो यू विल यूज़ द थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक किसी प्रैक्टिकल रेजिस्टर की, लेट सपोज मैं बल्ब की बात करता हूँ, जब आपने स्विच ऑन किया हुआ होता है और बल्ब जल रहा होता है, जब आपको लाइट प्रोवाइड कर रहा होता है, तो आपको पता है कि मतलब आपने कुछ टाइम के लिए उस बल्ब को ऑन रखा तो वो बल्ब हीटअप हो जाता है, वो बल्ब गर्म हो जाता है। थॉमस एडिसन ने क्या बल्ब इसलिए बनाया था कि आपको लाइट एनर्जी के साथ साथ वो हीट एनर्जी भी प्रोवाइड करे, कि हाँ भाई कभी सर्दियों का मौसम हो तो बैठ के हाथ पाथ गर्म कर लेना अपने? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। वहाँ जो हीट एनर्जी आपको मिल रही होती है वो वेस्टेज होती है, वो हमें नहीं चाहिए होती, बस आपको बिला ज़रूरत मिल रही होती है। अब सवाल पैदा ये होता है कि वो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर यानी कि बल्ब की फॉर्म में जो रेजिस्टर है वो हीट एनर्जी कैसे जनरेट कर रहा होता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। बात करते हैं पावर डिसिपेशन की। रेजिस्टर में से जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जा रहे होते हैं तो वो बार बार कोलाइड कर रहे होते हैं, कोलिजन्स की वजह से वो अपनी एनर्जी तो लॉस कर रहे होते हैं, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उस रेजिस्टर के एटम्स के पास, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो रही होती है, जबकि उन फिक्स एटम्स की जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो बढ़ रही होती है। इसका मतलब उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता होगा। तो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड जिस कंडक्टर का जितना ज्यादा होता है, उस कंडक्टर का टेम्परेचर उतना ज्यादा होता है। तो रेजिस्टर में से कंटिन्यूसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो कर रहे होते हैं तो वो बार बार कोलाइड करते हैं, बार बार अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं उन फिक्स एटम्स के साथ। तो याद रखिएगा, वो फिक्स एटम्स की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो रेजिस्टर हीटअप हो जाता है, वो रेजिस्टर गर्म हो जाता है। इसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी डिसिपेटेड। सो पावर डिसिपेशन बेसिकली जो कन्वर्ट होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी के अंदर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक एनर्जी का मतलब जो फॉर्म है वो खत्म होगी तो वो अपीयर होगी किसी और फॉर्म के अंदर। तो यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी लूज हो रही है, खत्म हो रही है, वो खत्म नहीं हो रही, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, बल्कि वो इस वाली एनर्जी के अंदर अपीयर हो रही है। तो रेजिस्टर गर्म हो जाते हैं, वो इस वजह से हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, जो बात मैंने आपको समझाई वो यहां पर लिखी हुई क्या, कि ड्यू टू द कोलिजन्स बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम्स ऑफ रेजिस्टर,
इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी वाइल द एटम्स गेन एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करते हैं जबकि एटम्स एनर्जी गेन करते हैं, जिसकी वजह से एंड देयर वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीजेस. किसकी वाइब्रेशनल एनर्जी? उन एटम्स की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है एंड अपीयर्स इन द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ दैट रेजिस्टर, जिसकी वजह से उस रेजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहां से आपको हीट मिलना स्टार्ट हो जाती है. बात समझ आई? ओके, यहां पर भी हम हीट एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं. देखिए हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू, ओके याद है, सबसे पहले इस पावर डिसिपेशन को समझाने से पहले मैं यहाँ पर आपको पावर के दो फॉर्मूला लिखवाए थे. एक लिखा हुआ था P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम और एक लिखा हुआ था एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. तो अगर मैं पावर की बात करूँ तो पावर का ये वाला फॉर्मूला E अपॉन T, तो अगर मैं E के लिए अरेंज करूँ फॉर्मूले को तो क्या ये P इंटू टाइम नहीं बनेगा? ये T डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा. तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम. तो एनर्जी, क्योंकि यहां पर एनर्जी किस फॉर्म में है, हीट एनर्जी की फॉर्म में है, तो इसका मतलब हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना हुआ है, पावर इनटू टाइम. सो यहां पर आ जाएगा पावर इनटू टाइम. तो ये हीट एनर्जी का जनरल फॉर्मूला बन गया. सो द प्रोडक्ट ऑफ पावर डिसिपेशन, क्योंकि ये वाला पावर कौन सा वाला होगा, पावर डिसिपेशन होगा. सो द प्रोडक्ट ऑफ पावर डिसिपेशन एंड टाइम इज कॉल्ड हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर या हीट एनर्जी जनरेटेड इन दैट रेजिस्टर. यहां तक बात क्लियर है? तो मैं इसको कर देता हूं बॉक्स में, क्योंकि आपका ये बन गया एक जनरल फॉर्मूला. अब एक काम ही करते हैं, एक एक करके पावर का, याद है हमने तीन फॉर्मूला पढ़े, एक दो तीन. अब एक एक करके आप इन पावर की जगह पहले ये वाला फॉर्मूला पुट कर दें, फिर ये वाला फॉर्मूला पुट कर दें, फिर ये वाला फॉर्मूला पुट कर दें. इसका मतलब आपके पास हीट एनर्जी के तीन फॉर्मूला आ जाएंगे. ओके, एक एक करके पुट करता हूं मैं हीट एनर्जी. अब मैं बार बार हीट एनर्जी नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं पुट कर रहा हूं कैपिटल ई इज इक्वल टू, हाँ भाई, सबसे पहला फॉर्मूला पावर का वी आई. तो ये देखें, वी इंटू आई इंटू टी, ये बन गया हीट एनर्जी का पहला फॉर्मूला. सेकेंड भी बना लेते हैं. ओके, एनर्जी कौन सी वाली, हीट एनर्जी, इस बार में पी की जगह क्या पुट करूंगा, आई स्क्वायर आर. सो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये बन गया हीट एनर्जी जनरेटेड का दूसरा फॉर्मूला. थर्ड भी पुट करते हैं इस पी की जगह, कौन सा वाला, वी स्क्वायर अपॉन आर. सो ई फॉर हीट एनर्जी इज इक्वल टू पहले क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर. सो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, ये बन गया हीट एनर्जी जनरेटेड का तीसरा फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला. तो आज के टॉपिक में आप लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीखे, एक पावर डिसिपेशन का और एक हीट एनर्जी जनरेटेड का. सो पावर डिसिपेशन का मतलब रेजिस्टर में पावर का खर्च होना, और ये किस वजह से होता है, एनर्जी के लॉस की वजह से, ठीक है. और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हो रही है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही बल्कि अपनी फॉर्म चेंज कर रही है, एंड दैट फॉर्म इज व्हाट, हीट एनर्जी. तो पावर डिसिपेशन जब होती है तो उसके नतीजे में उसके बदले आपको मिलती है हीट एनर्जी. सो पावर डिसिपेशन इन द रेजिस्टर्स एंड हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टर. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट to like and subscribe the channel. Thank you.